दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं श्रुति गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल श्रुति गुप्ता में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि करवा चौथ व्रत बहुत ही नज़दीक है। करवा चौथ व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व कार्तिक माह के चौथे दिन आता है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। करवा चौथ का व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि इसमें बिना पानी और अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं किया जाता है। इस एक दिवसीय व्रत की अवधि सुबह सूरज उगने से पहले से लेकर शाम चंद्रमा की पूजा करने के पश्चात तक रहती है। इस दिन महिलाएं खूब सस्ती और सवरती हैं। हर महिला को इस दिन सबसे ज़्यादा सुंदर दिखने की चाह रहती है। सिर्फ मेकअप करके ही सुंदर नहीं लगा जा सकता, इसके लिए अपने आप को हेल्दी रखना आवश्यक होता है और इस दिन सुबह के समय सेहतमंद खाना आवश्यक होता है क्योंकि इससे आपके चेहरे पर पूरे दिन चमक आती है। तो फ्रेंड्स, आज के अपने वीडियो में हम जानेंगे कि हम करवा चौथ पर कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। व्रत के पहले क्या खाएं? सरगी। सुबह सरगी खाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा शक्कर युक्त आहार ना खाएं, नहीं तो आपकी भूख और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी जगह आप प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करें जिससे आपका पेट दिन भर के लिए भरा रहे। मेवे। सुबह के समय मेवे खाइए क्योंकि इसमें ढेर सारा प्रोटीन और ज़रूरी पौष्टिक तत्व होते हैं जिससे पेट दिन भर के लिए भरा रहता है। दूध। हल्का गर्म दूध पीना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। व्रत के समय इन बातों का भी ध्यान रखें। अपना ध्यान दूसरी चीज़ों पर केंद्रित करें। अच्छा होगा कि इस व्रत को पूरा करने के लिए आप अपनी सहेलियों, ऑफिस वर्क या ऐसे कामों में खुद को लीन कर लें जिससे आपका ध्यान बट जाए। फल। अगर आप गर्भवती हैं या फिर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो दिन में भूख लगने पर ताजे फल काट कर खाएं। इसमें आप सेब, खीरा, खरबूज आदि शामिल कर सकती हैं जिससे आपके शरीर को जरूरी पोषक मिलते रहेंगे। व्रत के बाद क्या खाना चाहिए? नहीं पीनी चाहिए चाय। देखा जाता है कि व्रत के बाद महिलाएं थकान मिटाने के लिए चाय या कॉफ़ी पीना प्रारंभ कर देती है। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खाली पेट चाय पीने से पेट में एसिडिटी बनती है। चाय की जगह जूस पिएं या फिर फल का सेवन करें। ऑयली भोजन ना खाएं। खाली पेट तला हुआ भोजन खाने से पेट में एसिडिटी बनती है जिससे मन खराब हो जाता है और पेट भी सही नहीं रहता। आपको व्रत तोड़ने के बाद सलाद और स्वास्थ्यवर्धक आहार खाने चाहिए। पानी या जूस पीजिए। व्रत तोड़ने के बाद 2 से 3 गिलास पानी पिएं जिससे शरीर में पानी की कमी दूर होती है। दही खाइए। दही खाने से शरीर में प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम और विटामिन बी प्राप्त होता है। दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो छोटी आंत को पोषण देने में मदद करते हैं। दोस्तों, अब अच्छे से करवा चौथ का व्रत मनाइए, भगवान की पूजा पाठ करिए, लेकिन साथ ही अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखिए। दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपके करवा चौथ व्रत में आपकी मदद करेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।